हिमाचल प्रदेश क्रशर उद्योग संघ ने हिमाचल प्रदेश पुलिस द्वारा माइनिंग को मनी लॉन्ड्रिंग के समान ट्रीट करने के फेसबुक पोस्ट का कड़ा विरोध किया है। पुलिस की इस फेसबुक पोस्ट के बाद उद्योग संघ के तमाम पदाधिकारियों ने मंगलवार को जिला स्तर पर बैठक आयोजित करते हुए इसका कड़ा विरोध जताया। वहीं जल्द ही प्रदेश स्तर पर भी इसी संबंध में बैठक कर आगामी रणनीति बनाने का ऐलान कर दिया गया है। इस दौरान उद्योग संघ के प्रदेश अध्यक्ष ने पुलिस प्रशासन को जमकर फटकार लगाते हुए कहा कि नशा जो पंजाब से हिमाचल में आ रहा है उसे रोकने में पुलिस नाकाम रही है और विकास कार्यों में लगे खनन उद्योग को बर्बाद करने के लिए नित नए षड्यंत्र रचे जा रहे हैं। इसके साथ ही उद्योग संघ ने मुख्यमंत्री को भी नसीहत जारी करने में कोई कमी नहीं छोड़ी। संघ ने मुख्यमंत्री को यह तक कह डाला कि पुलिस सांप के खिलाफ काम कर रही है और पुलिस की यही कार्यप्रणाली आगामी विधानसभा चुनाव में भाजपा सरकार पर भारी पड़ने वाली है, जिसका एक नमूना हाल ही में हुए उपचुनाव में सरकार देख चुकी है। उद्योग संघ ने कहा कि एक तरफ जहां संघ मैकेनिकल माइनिंग की अनुमति मिलने की उम्मीद लगाए बैठा था, तो वहीं पुलिस द्वारा जारी किए गए इस फरमान से उद्योगपतियों की भावनाएं आहत हुई है। उन्होंने कहा कि यदि जल्द ही पुलिस की इस कार्य प्रणाली को ना रोका गया तो प्रदेश भर में हर एक यूनिट को बंद किया जाएगा और सभी विकास कार्यों का जिम्मा पुलिस को सौंप दिया जाएगा। हमारा पिछले 2-3 सालों से एक ही मांग चली हुई है मैकेनिकल माइनिंग की। आज भी हमने मीटिंग की है ऊना में, ऊना क्रेशर एसोसिएशन ने, और स्टेट की मीटिंग हम जल्दी करने जा रहे हैं। पुलिस ने एक कल पोस्ट अपने वॉल पे शिमला हेडक्वार्टर से डली है जिसमें माइनिंग को मनी लॉन्ड्रिंग का केस बताया जा रहा है। हम इनसे कहना चाहते हैं कि अगर ये मनी लॉन्ड्रिंग है तो इसको शिमला से सीएम साहब से बात करके बंद करवा दो। क्यों इनको इतना परेशान किया जा रहा है? हिमाचल एक ऐसी स्टेट है जहां पे कोई माइनिंग माफिया नहीं है। यहां पे अभी पंजाब से चिट्टा चुट्टा तो आने लग गया है, वो इनसे रोका नहीं जा रहा है और जो डेवलपमेंट है उसको रोकने की कोशिश कर रहे हैं। मैं मुख्यमंत्री साहब के ध्यान में एक बात लाना चाहता हूं कि पुलिस भी आपका साथ नहीं दे रही है। पहले भी हमारी गवर्नमेंट 4 सीटें हार गई है। कहीं ना कहीं ठेकेदारों के हक में डिसीजन न देना, कहीं ना कहीं माइनिंग की पॉलिसी को सेट न करना, अगर मैं मुख्यमंत्री जी के ध्यान में एक बार फिर लाना चाहता हूं कि आपने हमें आश्वासन दिया था, विभागीय मंत्री जी ने भी हमें आश्वासन दिया था कि मैकेनिकल माइनिंग को जल्दी स्टार्ट कर देंगे, जिससे हमें ब्लैकमेलिंग से निजात मिलेगी। और मतलब ब्लैकमेलिंग तो क्या, पुलिस उल्टा मनी लॉन्ड्रिंग बोल बोल के हमें तंग करने की कोशिश की जाती। कल जो इन्होंने वॉल पे डाला है, मैं मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि क्या ये मतलब पुलिस इसको अब मनी लॉन्ड्रिंग में लेके जाएगी? अगर मनी लॉन्ड्रिंग में लेके जाएंगे तो हम अपने सारे यूनिट स्टेट के बंद कर देंगे। पुलिस देख ले भी बजरी कहां से लेके आनी है और पुलिस को दे देते हैं, हैंड ओवर कर देते हैं, यही हमारे यूनिट चला ले। लाइव टाइम्स टीवी के लिए ऊना से अमित शर्मा की रिपोर्ट। हिमाचल के सबसे बड़ी ऑटो डीलरशिप गोयल मोटर्स में नौकरी करने का सुनहरा अवसर। सोलन, शिमला, सिरमौर और किन्नौर में चाहिए सेल्स एग्जीक्यूटिव, सर्विस एग्जीक्यूटिव, फील्ड एग्जीक्यूटिव, मोटर मैकेनिक और ड्राइवर। शानदार करियर संभावनाएं व इंडस्ट्री में बेहतरीन सैलरी पैकेज। तो आज ही कॉल करें 9418035372 पर और ईमेल से भेजें अपना बायोडाटा HR@goyalmotor.com पर।